मुस्लिम रूल इन इंडिया दो फेजेस में है, एक फर्स्ट दिल्ली सल्तनत और सेकंड मुगल रूल पर मुश्तमिल है। ये पार्टीशन से पहले के रूल्स की हम बात कर रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से अगर हम फर्स्ट मुस्लिम रूल इन इंडिया की तरफ आए तो हमें उस वक्त तक, हम जब पहला मुसलमान इंडिया में दाखिल होता है या मिलता है, उसमें हमें उस वक्त तक बहुत सारे मज़ाहिब, बहुत सारे कल्चर, बहुत सारी एथनीसिटीज़ वो हमें इंडिया में मौजूद मिलती है। लेकिन चूंकि हमारा टॉपिक मुस्लिम रूल इन इंडिया के हवाले से, तो आज हम उसी हवाले से बात करेंगे। बात करने से पहले मैं एक एक्नॉलेजमेंट करना चाहूँगा कि इसमें जो हम नोट्स और जिस सोर्स को हम यूटिलाइज करने जा रहे हैं, वो सोर्स डॉक्टर तनवीर अंजुम साहिबा, जो कि कायदे आज़म यूनिवर्सिटी हिस्ट्री डिपार्टमेंट की इस वक्त हेड भी हैं, उनके तैयार करदा ये नोट्स हैं। तो जब हम मुस्लिम रूल इन इंडिया की बात करते हैं, वो बहुत सारे अदवार पर मुश्तमिल है। ख़ास तौर पर फाइव फेजेस हैं, फाइव एथनीसिटीज़ हैं, डिफरेंट एथनीसिटीज़ जिन्होंने रूल किया है। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो अरब रूल इन दी इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर मुश्तमिल है। इन फाइव रूल्स से पहले, जो कि टर्को पर्शियन और पख्तून रूल पर मुश्तमिल है, उससे पहले हम अरब रूल की बात करेंगे, क्योंकि ये एक बेस है, बुनियाद है उन तमाम रूल्स की। एक अंडरस्टैंडिंग है, और वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है, कि फर्स्ट मुस्लिम रूल इन इंडिया की जब बात होती है तो मोहम्मद बिन कासिम और उसका हमला जो है वो हमेशा कंसीडर किया जाता है कि वो ही फर्स्ट मुस्लिम रूल था जो कि इंडिया में आया। ऐसा हरगिज़ नहीं है। सियासी हवाले से हम मोहम्मद बिन कासिम के हमले को और उसकी रीजंस को, उसकी कॉजेज को हम अहम तारीख का एक अहम मोड़ डेफिनेटली गर कर जानते हैं, लेकिन इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं कि मुसलमान पहली दफ़ा इंडिया में आ रहे थे। तो इस हवाले से जो पहली चीज़ है वो है, यानी अर्ली सेटलमेंट्स इन दी कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया। मुसलमान कोस्टल एरियाज में इससे पहले आ चुके हुए हैं, और ये थाउजेंड्स ऑफ इयर्स इस्लाम के आने से पहले जो कोस्टल एरियाज इंडिया के हैं, वहाँ पर अरबों की जो आमदोरफ़त थी, उनकी जो ट्रेड थी वो जारी और सारी थी, और वो जारी सारी कोस्टल रूट्स की, ट्रेड रूट्स की वजह से जो कोस्टल एरियाज में थे उन पर बड़ी अहम अहम कॉलोनीज भी बनी हुई थी, जिसमें जो गुड्स की तरसील है, जो मुख्तलिफ खुश्क मेवा जात हैं या मसाला जात, मुख्तलिफ चीज़ें जो कि अक्रॉस द कंटिनेंट होती थी। इसमें जो सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि जो रूट होता था वो अरब ट्रेडर्स का, वो इंडियन गुड्स को ख़ास तौर पर यहाँ से लेते थे, इंडियन कोस्टल एरियाज से उनको लोड करके वो सीरिया के रास्ते से, सीरिया से होते हुए यूरोप जाकर वहाँ पर बेचते थे प्रॉफिट पे। और उसके साथ साथ ये रूट जो है वो सरंदीप की तरफ, जो कि मॉडर्न श्रीलंका है, उसकी तरफ भी जाता था, और वहाँ से आप, इसके साथ साथ आप जो साउथ ईस्ट एशिया है, ख़ास तौर पर जो हम उन्हें बे ऑफ बंगाल से, इंडियन ओशन के बे ऑफ बंगाल से ये होते हुए, तो ये जिसमें, यानी अहम अहम जो कोस्टल एरियाज थे उनमें मालाबार कोस्ट है, और वो 7th सेंचुरी से ही जो है उस पर, बलूचिस्तान के अंदर होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम के कुछ
कंपेनियंस थे जो कि सेटल्ड हो चुके हुए थे मालाबार कोस्ट पे, श्रीलंका सरंदीप सी जो मॉडर्न श्रीलंका है उसकी तरफ भी सैलोन भी कहा जाता था इसे, वहाँ पर भी इनके बहुत सारे सेटलमेंट्स मौजूद थी। कम्बायत जो कि कम्बे मॉडर्न उसमें, और होनावार गुल्फ ऑफ कम्बे यहाँ पर इनकी, और इसके साथ साथ सीमोर जो कि मॉडर्न चौल है बम्बे के नज़दीक है, ये वहाँ पर मौजूद थे, इनकी सेटलमेंट्स वहाँ पे मौजूद थे। और बंगाल और बर्मा की तरफ ये गुड्स ले जाते थे, मलाइशिया इंडोनेशिया और चिटागोंग ईस्ट बंगाल, कुछ अरब ट्रेडर्स वहाँ पर भी सेटल्ड हुए। तो ये एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का आना मोहम्मद बिन कासिम के साथ नहीं है, उससे पहले भी अरब ट्रेडर्स जो है वो कोस्टल रीजन्स में मौजूद थे और इस्लाम से पहले मौजूद थे, 1000 years before, प्रॉफिट पीस भी अपन हिम के दौर में, दौर से लेकर इस्लाम जब आया, तो ये जो अरब ट्रेडर्स इस्लाम लाए, मुशर्रफ इस्लाम हुए, इनकी जो ट्रेड रूट्स है जहाँ जहाँ पर ये भी गए, क्योंकि आपको पता है कि इस्लाम की तबलीग के लिए प्रीचिंग के लिए कोई ख़ास आपको कि को हर कोई कर सकता है जो कि मुसलमान हो अपनी समझ के मुताबिक अपनी फहम के मुताबिक। तो ये जो कोस्टल एरियाज आपको बताएं जो कि सेटलमेंट्स मौजूद थी कोस्टल एरियाज में समुद्री रास्तों पे ट्रेड की सूरत में, ट्रेड सेंटर्स थे वहाँ पर इस्लाम जो है वो फैला। इसके बाद जो हमारा अगला है वो है कि मिलिट्री एक्सपीडिशंस इन द नॉर्थ वेस्टर्न पेरिफेरल रीजन्स ऑफ इंडिया अंडर द पायस कैलिफ्स एंड द अर्ली उमय्यड्स। तो अब यहाँ पर आके हम देखते हैं कि पायस कैलिफेट और अर्ली उमय्यड्स जो कि बनू उमय्या के शुरू के खलीफा थे, उन्होंने इंडिया के इस हिस्से में मिलिट्री एक्सपीडिशंस कैसे की थी। तो ये फ़र्क समझना होगा कि जो अर्ली सेटलमेंट्स हैं वो पीसफुल अरबी अरबों की सेटलमेंट्स हैं, और उसमें कोई मिलिट्री एक्सपीडिशंस नहीं हुई, कोई तलवार से इस्लाम नहीं फैला। यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं वो मिलिट्री एक्सपीडिशंस की हैं। एक बात जहन में रखिएगा कि एक थ्योरी है कन्वर्जन थ्योरी के हवाले से कि हर मज़हब ये क्लेम करता है कि जी हमारा मज़हब जो है वो अमन का मज़हब था, अमन से फैला है और उसमें किसी किस्म तलवार इस्तेमाल नहीं हुई या पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ। ये बात कोई भी मज़हब क्लेम नहीं कर सकता है। हर मज़हब में, चाहे वो जूदाइज़म है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, सब मज़ाहिब ने ये जो भी उनके उनसे हो सका है, जो भी मीन है वो इस्तेमाल किया, चाहे वो इकोनॉमिक फवाद थे, चाहे वो तबलीग थी जो कि रैशनल बेसिस पर थी, चाहे वो मिलिट्री एक्सपीडिशंस थी, हर मज़हब ने हर तरीका इस्तेमाल किया है। तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले कोस्टल रीजन्स में जो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के दौर में ख़ास तौर पर जब इस्लाम वहाँ पे अरब पेनिनसुला में फैलता है तो इन एरियाज में भी आ जाता है, और ये पीसफुल कन्वर्जन होती है, रैशनल कन्वर्जन होती है। अब जो हम बात करने जा रहे हैं मिलिट्री एक्सपेडिशंस की जो कि पायस कैलिफेट और अर्ली उमय्यड्स पीरियड में होती है, और इसमें जो हम देखते हैं कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के बाद से जो मेजर टेरिटोरियल एक्सपेंशन होती है वो कैलिफ उमर के दौर में होती है, और जो फर्स्ट वेव ऑफ एक्सपेंशन है उसमें हज़रत उमर जो है बेजेंटाइन एम्पायर के साथ और पर्शियन एम्पायर जो नॉर्थ वेस्ट में, ससेनियन एम्पायर नॉर्थ ईस्ट में, और सीरिया इराक पर्शिया के बड़े एरियाज जो हैं वो अनेक्स्ट होते हैं। फर्स्ट वेव कैलिफ उमर के दौर में स्टार्ट होती है 644 में। 644 में हकम इब्ने अमर तगलीबी
मकरान को जो कि आज मॉडर्न बलूचिस्तान में शामिल है फतह करता है हज़रत उमर के दौर में, और काफ़ी बहुत बलूचिस्तान का काफ़ी बड़ा एरिया है ये मकरान का जो कि कॉन्कर कर लेते हैं वो हमला करके। और इसमें हम ये समझ सकते हैं कि पाइस कैलिफेट के दौर में मकरान इंडिया ख़ास तौर पर पाइस कैलिफेट हज़रत उमर के दौर में इंडिया जो है वो हिस्सा था मुस्लिम अम्पायर का। इसके साथ ही उस्मान इब्ने अबी अल सकफी कबीला है जो कि गवर्नर ऑफ बहरैन और अम्मान थे, उन्होंने एक फ्लीट भेजा कोस्टल रीजन थाना जो कि मॉडर्न जो बम्बे है और ब्रोच जो कि गुल्फ ऑफ कैम्बे है वाया उमान, और अपने भाई हकम इब्ने अबी अल असकफी की लीडरशिप में। बट ये जो नेवल एक्सपीडिशन थी ये कैलिफ उमर की परमिशन के बगैर आई थी, और कैलिफ उमर ने जब उनको पता चला तो कैलिफ उमर ने मना कर दिया कि इससे हट के ज़्यादा जो मिलिट्री एक्सपीडिशंस हैं वो ना की जाएं। और ख़ास तौर पर उसके बाद द गवर्नर ऑफ बहरैन आल्सो सेंट वन एक्सपीडिशन टू देओर अ पोर्ट इन सिंध अंडर हिज ब्रदर मुगीरा इब्ने अबी अल सकफी, ताहम ये भी जो है वो एक्सपीडिशन टेरिटरी गेन करने के लिए नहीं थी बल्कि डराने के लिए थी कि जो यहाँ के रूलर्स हैं वो जो पर्शियन अम्पायर है उसकी मदद मुस्लिम आर्मीज के खिलाफ ना कर सकें। इसके बाद हज़रत उस्मान का जो टाइम पीरियड आता है थर्ड कैलिफ, उसमें इस रीजन की यानी जो सिंध और बलूचिस्तान है एक इम्पॉर्टेंट कंटोनमेंट जो है वो जिसका नाम कंदाबिल है जिसे आजकल जो है वो कंदावा कहते हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट काची में मौजूद है जो आज पाकिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है उसको कंसोलिडेट किया। और उसके बाद जो है वो कोई बड़ी मिलिट्री एक्सपीडिशन जो है वो हज़रत उस्मान के दौर में इस रीजन में नहीं की गई। खलीफा हज़रत अली के दौर में तागर इब्ने जोआर जो है वो इंडियन फ्रंटियर की तरफ अपॉइंट हुए, और उन्होंने एक मिलिट्री एक्सपीडिशन भेजी किकान जो कि मॉडर्न कलात है बलूचिस्तान की तरफ, और उन्होंने जो है वो वहाँ के जो लोकल रूलर थे उनको डिफीट किया। जब ये इंटरनल मुसलमानों के इंटरनल और पॉलिटिकल जो है इंस्टेबिलिटी हज़रत अली के दौर में जब हुई तो मज़ीद जो फतूहात है उनको रोक दिया गया। अगली जो फतूहात है या अगला जो दौर चला है एक्सपेंशन का वो अमीर माविया के दौर में चला है, और बहुत सारी जो मुहिमात हैं वो मकरान और सिंध की तरफ जो है वो लोकल गवर्नर्स के साथ मिलिट्री कमांडर्स ने की। अब्दुल्ला इब्ने सवार अल अब्दी के काम की तरफ भेजा गया, और सिनाम इब्ने सलमा अल हजली वो बोहेया जो अभी मानछर लेक जो बहुत फेमस है कराची के अंदर उसकी तरफ भेजा गया दादू के अंदर, और मुहल्लब इब्ने अभी सुफरा अदी जो है वो मुल्तान के रास्ते खैबर पास नॉर्थ की तरफ निकल गए, और एक और एक्सपीडिशन जो थी वो अबुल अशस मुंदर इब्ने जरूद की लीडरशिप में भेजी गई, और इनमें बहुत सारी एक्सपीडिशंस जो थी वो जो एरियाज मुसलमान कॉन्कर कर चुके हुए थे इससे पहले उनको रिकन्वर करने के लिए थी, और इसके साथ साथ लोकल इंसर्जेंसीज और रिबिलियंस को भी पुट डाउन करने के लिए थी।
उसके नतीजे में जो कुछ पार्ट्स हैं मकरान और सिंध के वो कॉन्कर्ड होते हैं और उमैयद अम्पायर का हिस्सा बनते हैं, बनो उमैया के अम्पायर का। इसके साथ अमीर माविया के बाद उमैयद कैलिफ वलीद जो है 705 से 15, ये सेकंड वेव ऑफ कॉन्क्वेस्ट है, शुरू होती है और इसमें दोबारा टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो है वो मुसलमान बहुत ज़्यादा गेन करते हैं। खलीफा वलीद जो थे उनका जो इंटरेस्ट था वो वेस्ट वर्ल्ड और नॉर्थ वर्ल्ड की तरफ था, जो कि सेंट्रल एशिया, नॉर्थ अफ्रीका और स्पेन की तरफ निकल गए हुए थे। मुसलमानों ने उन एरियाज़ को कॉन्कर्ड भी किया, नेक्स्ट भी किया। अलबत्ता इस साइड पे, मैं इंडियन साइड पे वलीद के दौर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन अभी तक नहीं हुई थी। ताहम जो है वो दो हट के मिलिट्री एक्सपीडिशन जो है वो उबैदुल्ला इब्ने नभान और बुदेल जो है वो इनकी भेजी गई, जिनको राजा दार जो के सिंध का रूलर था उसने इन दोनों को हराया। तो ये तो वलीद तक की मुहिम थे। अब आते हैं जी कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, मुल्तान एंड गुजरात अंडर मोहम्मद इब्न कासिम असकफी, ये भी सकफी थे। तो आप देख रहे हैं कि जो सकफी थे, सकफी ट्राइब था, उनकी जो मिलिट्री एक्सपीडिशन है वो यहाँ पर बहुत अहम है। अब इसमें ये कहते हैं कि जो इंडिया की तरफ हमले हुए हैं वो उमैयड्स की इस तरफ एक्सपेंशन जो कॉन्क्वेस्ट जो पॉलिसी थी जो कि वलीद के दौर में नॉर्थ अफ्रीका की तरफ भी गई हुई थी, स्पेन की तरफ भी गई हुई थी और सेंट्रल एशिया की तरफ भी गई हुई थी, इंडिया की तरफ भी आना, इंडिया की तरफ जो कि अभी मोहम्मद बिन कासिम की सूरत में आएंगे उसका भी वहाँ यहाँ पे आना, ये उस एक्सपेंशन की सूरत में था जो कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी वलीद की थी, इस हवाले से था। हजाज बिन यूसुफ नाम बहुत नोटोरियस नाम, बहुत मशहूर नाम है, उसकी भी एम्बिशंस थी कि इस एरिया को फतह किया जाए। वो गवर्नर ऑफ इराक था और इसके साथ साथ जो ईस्टर्न टेरिटरीज थी उनका भी, सिस्तान की फारस में उनका भी इंचार्ज था। उसने बहुत इन एक्सपीडिशंस में बहुत अहम रोल प्ले किया और अपने नौजवान कबीले के बनु सकीफ कबीले, सकफी कबीले के मोहम्मद बिन कासिम को इस मकसद के लिए मिलिट्री एक्सपीडिशंस 711 में सिंध की तरफ भेजा। लॉन्ग टर्म देखें, हमेशा जब भी हिस्ट्री में कोई वाक़ा होता है उसमें लॉन्ग टर्म काज होती है, कॉजेज क्या कॉजेज होती हैं, कॉज होती है और एक शॉर्ट टर्म काज होती है, इमीडिएट काज होती है। तो लॉन्ग टर्म काजेज में वो ये था कि जो पर्शियन रूलर्स थे उनकी मदद जो है वो सिंध और मकरान के जो रूलर्स थे वो हमेशा करते आते थे, और जो फारस के फारसी पर्शियन जो थे उन रेबल्स या इससे हट के भी जो रेबल्स ग्रुप्स होते थे, फॉर एग्जांपल अलाफीज या इस तरह के, और वो पना लेते थे यहाँ राजादार की तरफ। तो ये एक लॉन्ग टर्म कॉज बल्कि कॉजेज थे। इसके साथ साथ जो पायरेट्स कजाक थे वो भी इंडियन ओशन में उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादा कर दी हुई थी और लूट लेते थे, जो भी ट्रेड के लिए काफ़ले जाते थे सी ट्रेड के लिए उनको लूट लेते थे अरब ट्रेडर्स को। इमीडिएट जो कॉज बनती है वो ये थी कि जो 8 मर्चेंट वेसल्स थी, जहाज़ थे जो कि पायरेट्स ने दीबल के मकाम पर, एक कोस्टल टाउन है सिंध के साथ, वो जो वहाँ से गुजर रहे थे 8 सिरंदीप से आ रहे थे और उनको पायरेट्स ने कज़ा पहरी कज़ाकों ने लूट लिया।
बुनियादी तौर पर उसमें फैमिलीज थी जो अरब सेटलर्स जो कि सरंदीप में मर गए थे, तो सरंदीप के जो किंग ने उसने उमैयद जो कैलिफ था उसके हुजूर में गिफ्ट्स भी भेजे हुए थे और उन औरतों को भी उनकी फैमिलीज उनको भी लेके ये जा रहे थे। जब राजा दार से बात हुई तो राजा दार ने उनको कि आप उनको पनिश करें पायरेट्स को, जो कि राजा दार ने मना कर दिया और ये एक इमीडिएट काज बनी राजा दार के साथ जंग करने की। 711 में मोहम्मद बिन कासिम जो है एंटर्ड हुए सिंध से, बलूचिस्तान से सिंध में एंटर्ड हुए, जो कि ऑलरेडी जो बलूचिस्तान है वो उमैयद रूल में था। वहाँ पर गवर्नर ऑफ मकरान जो कि अगेन उमैयद गवर्नर था, उसकी फोर्सेस ने मोहम्मद बिन कासिम को ज्वाइन किया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों को मोहम्मद बिन कासिम ने एक एक करके कॉन्क्वर्ट किया, एनेक्स्ट किया, जिनमें जो है वो देबल, नेरोन मॉडर्न जो हैदराबाद है, सीसाम, सेहवन, लाल शहबाज कलंदर का शहर, रावाड़, बरहमनाबाद, अलोर जो है वो कैपिटल है राजा दार के किंगडम का, मौजूदा जो रोड़ी है उसके साथ मौजूद है, बाटिया मॉडर्न बहावलपुर के साथ है बाटिया, तो इनको एनेक्स किया और कॉन्वर्ट किया। 2 साल के बाद 714 में मुल्तान और उसके नेबर और रीजन को जो है कॉन्वर्ट किया और उमैयद एम्पायर में शामिल किया। साथ ही इसके मोहम्मद बिन कासिम ने जो है गुजरात और काठियावाड़ में भी अपनी फोर्सेस भेजी, जहाँ पर उन्होंने किराज और बहलमैन जो है कैप्चर्ड किए और इनको उमैयद एम्पायर में शामिल किया। अरब आर्मी जो है वो जो मॉडर्न ओकाड़ा है लाहौर के साथ, पंचमहत वहाँ पर मौजूद थी और मोहम्मद बिन कासिम भी जो है वो मुल्तान में स्टे उसने किया हुआ था और उनका प्लान था, मुकम्मल प्लान था कि जो बाकी इंडिया है उसको एनेक्स किया जाए। लेकिन साथ ही उनको हजाज की डेथ की खबर मिलती है, मुल्तान में ही होता है। मोहम्मद बिन कासिम आगे कश्मीर की तरफ जाना चाहता है, लेकिन उसको कैलिफ सलमान जो कि वलीद के बाद खलीफा बनता है उसे बुला लेता है। हाँ, मोहम्मद बिन कासिम जो है वो जब उसको बुला लिया जाता है तो इन टेरिटरीज का जो इंचार्ज है वो यजीद इब्ने अबी कबशा को दे दिया जाता है। तो इसमें जो है क्यों मोहम्मद बिन कासिम सक्सेसफुल रहा इंडियन टेरिटरीज को कॉन्वर्ट करने में, उसमें जो सबसे अहम बात है वो कुछ वास्ट स्ट्रेटजीज हैं जिनको मोहम्मद बिन कासिम ने यूटिलाइज किया और जिनकी वजह से फतह हुई, और उनमें एक मंजनीक जिसका नाम अलरूस था, इसके साथ साथ जो है वो बॉयलिंग हॉट ऑयल जो है वो दुश्मनों पर, ये मिडिवल टाइम का स्टाइल था, ये फेंकना था, और बाकी मोहम्मद बिन कासिम के साथ 6,000 जो है वो सीरियन हॉर्समैन, आपको पता है कि उनकी मिलिट्री इन्फेंट्री में मौजूद थे, उनकी जो वार स्ट्रेटजीज हैं वो बहुत बहुत बेहतरीन है। इसके साथ साथ 6,000 इराकी कैमल राइडर्स जो है वो भी ऊँटों पर सवार, वो भी अहम हिस्सा थे, तो एक डिसिसिव मिलिट्री स्ट्रेटजी थी। और हाथी, अरबों के पास तो हाथी फौज में नहीं थे, लेकिन हिंदुस्तानी फौज के पास बड़े बड़े हाथी थे जो कि परेशान करते थे मिलिट्री स्ट्रेटजी के हवाले से, घोड़े परेशान हो जाते थे। तो घोड़े, इन्होंने ये किया कि शेरों की कपड़े बनाकर घोड़ों के सामने टांग कर हाथियों को डराने के लिए, तो उससे हाथी दबक जाते थे उन तस्वीरों को देखकर कपड़ों पर बनी हुई, और अपने लोगों को कुचल के निकल जाते थे। तो जो पॉलिसी अख्तियार की गई, उनके साथ सलूक किया गया, वो गुजरात, मुल्तान और सिंध के लोगों के साथ मोहम्मद बिन कासिम ने,
वो रिकन्सिलिएशन का और उनके साथ अच्छा सलूक किया गया, और रिलीजियस और जो सोशल लीगल जो फ्रीडम थी वो उनको दी गई, और हिंदुओं को और मुसलमान जो हिंदूज और बुद्धिस्ट थे उनको उनके उनके मजहबी जो रिचुअल्स थी या टेंपल्स थे उनको जो कि तबाह हो चुके हुए थे वार में उनको रिबिल्ड करने की इजाज़त दी गई, और बहुत सारे जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे पुरानी आर्मी में राजाधार की उन्होंने ज्वाइन किया मोहम्मद बिन कासिम को, ख़ास तौर पर राजाधार के जो मिनिस्टर थे जिसका नाम सयाकार था वो मोहम्मद बिन कासिम का एडवाइज़र जो है वो कंटिन्यू रहा। अच्छा जी, ये सब एक्सपीडिशंस थी अरबों का पीसफुल पेनिट्रेशन और अरबों की मिलिट्री एक्सपीडिशंस जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट क्या होता है, ये बहुत अहम बात है, ख़ास तौर पर जो हिस्टोरियंस हैं एल्फिनस्टोन कहते हैं, वॉल्जलिक हेग कहते हैं, स्टेनले लेनपोल कहते हैं कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ मोहम्मद बिन कासिम जो है वो एक आइसोलेटेड इवेंट था, उसकी कोई पॉलिटिकल अहमियत नहीं है। इसके साथ साथ जो है वो इसकी जो फतह है उसने जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट इंडिया में डाले, लेकिन और बहुत से इंडियन हिस्टोरियन भी कहते हैं, लेकिन इन्होंने जो है वो पॉलिटिकल कोई इम्पैक्ट नहीं डाला। हालांकि हकीकत में इन राइटर के मुताबिक जो ये फतह है इसने सोशल कल्चरल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस फर्क तो डाले ही डाले, लेकिन पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी डाला। अब पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या डाला उस पर बात करते हुए जो राइटर वो ये कहते हैं कि सिंध गुजरात मुल्तान जो है वो उमय्यद अम्पायर का पार्ट बन गए, और उमय्यद के बाद ये एरिया जो है वो अब्बासिड अम्पायर में आए मुसलमानों की, और मोहम्मद बिन कासिम के जाने के बाद एम्बेसडर्स ने बनू अब्बास ने 46 गवर्नर्स जो है वो सिंध में अपॉइंट किए, और लास्ट गवर्नर ऑफ सिंध वाज हारून अ कंटेम्पोरी ऑफ अब्बासिड कैलिफ अल मुतवक्किल बिल्ला, और मोहम्मद बिन कासिम जो है वो इन सब एरिया को इन एरियाज़ को जो है वो सक्सेसफुली एडमिनिस्टर करने में उनकी बुनियाद रखने में कामयाब रहा। अच्छा, ये एक ये कहते हैं कि जब बनू अब्बास बगदाद के अंदर जो कि सेंटर था मुस्लिम एम्पायर का, जब उसमें डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होती है तो ये मुस्लिम खास तौर पर ये मुस्लिम एरियाज जो कि इंडिया में होते हैं इनकी जो पॉलिटिकल अटोनोमी है वो यानी ये बगावत कर देते हैं और अपनी पॉलिटिकल अटोनोमी अटेन करते हैं। तो यहाँ पर कुछ किंगडम्स का जो कि अटोनोमस हो गई थी सेंट्रल अथॉरिटी से सेपरेट होके इन्होंने अपना रूल जो है वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट कर लिया, अटोनोमस कर लिया। उनमें जो पहली है वो है महानिया किंगडम। महानिया किंगडम जो है वो गुजरात की थी जो कि फजल इब्ने महान ने खलीफा अब्बासी खलीफा मामून रशीद के दौर में बनाई। इसका जो कैपिटल था वो संदन, नॉर्डेज जो संजन नॉर्थ ऑफ बॉम्बे में वो था, और रूलर्स ऑफ इस डायनेस्टी के जो थे उनके अच्छे अच्छे रिलेशंस थे अब्बासी खलीफा के साथ, और बाद में इनको इसको हिंदुओं ने जो है वो अनेक्स कर लिया। इसके बाद है जी हबरिया किंगडम, अब्बासिड कैलिफ मुतवक्कल बिल्ला के दौर में उमर बिन अब्दुल अजीज़ हब्बारी ने गवर्नर ऑफ सिंध हारून को कत्ल कर दिया, और खलीफा को रिक्वेस्टेड की कि उसे सिंध का जो है वो गवर्नर एक्सेप्ट किया जाए। जो खलीफा थे एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट, और बाद में उमर बिन अब्दुल अजीज़ हबारी ने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ सिंध जो है वो माना, और इसलिए सिंध के अंदर हबारिया किंगडम जिसका जो कैपिटल था वो मंसूरा
आपको पता है कि मंसूरा इल्म दानिश का एक बहुत बड़ा सेंटर है, तो उसका कैपिटल बनाया गया। और ये मंसूरा जो है वो ओल्ड बरहमनाबाद जो कि मोहम्मद बिन कासिम की के दौर में जो है वो एक शहर, सॉरी राजा दहार के, जब मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया राजा दहार के दौर में मौजूद था। और इसका जो आखिरी रूलर है उसको जब गजनवी हम पढ़ेंगे, गजनवियों ने जब हमला किया इंडिया के ऊपर तो उसको डिफीट किया। अगली जो है वो है बनू समा किंगडम, जो बहुत वसी थी, मोहम्मद इब्ने कासिम समी ने बनाई मुल्तान और उसके नेबरिंग टेरिटरी में, बहुत अहम एरिया। समी जो है मुल्तान को 100 साल तक रूल करते हैं और बाद में इन इन से इस्माइलीज ये रूल ले लेते हैं। और इस्माइली रूलर जो मुल्तान है वो जो खलीफा फातिमी खलीफा जो थे इजिप्ट के, उनके ओथ ऑफ एलिजेंस में थे। यानी आपको पता है कि अब्बासी खलीफा बगदाद में बैठता था, तो वो मुसलमानों सुन्नी मेजॉरिटी मुसलमानों का खलीफा था। उसी के साथ ही खलीफा एक और खलीफा इजिप्ट में बैठे थे जिसे फातिमी खलीफा जो कि इस्माइलियों का खलीफा था। तो ये जो किंगडम थी ये उसको खलीफ ओथ ऑफ एलिजेंस उनके लिए थी जो कि इजिप्ट में बैठते थे। और इन इस्माइली रूलर्स को अब्दुल फतेह दाऊद जो है जो थे इनका नाम, इनको जो गजना महमूद ऑफ गजनवी है 1010 में जाकर इनको इन्वेट करते हैं, डिफीट करते हैं, मुल्तान कब्जा कर लेते हैं। जो लास्ट है वो है मदानिया किंगडम, ये कोस्टल एरिया ऑफ मकरान में होती है और खारजी होते हैं जहाँ पे इनका जो लीडर है ईसा इब्ने मदान, उन्होंने मदनिया किंगडम की बुनियाद रखी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कि इस खारजी किंगडम के जो रूलर थे मकरान में थे, मकरान जैसे एरिया में थे, तो इन्होंने अपने नाम के साथ जो हिंदू टाइटल है महाराज रखा, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये भी ये डायनेस्टी जो है वो मोहम्मद गोरी ने इनको 1178 में डिफीट किया मकरान में। अच्छा जी, ये तो ऑटोनोमस जो हो गए थे खलीफा से मुस्लिम मुस्लिम ऑटोनोमस रीजन्स, ये इनकी बात हो रही। नेक्स्ट जो है वो इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी कल्चर एंड इकोनॉमी, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है जी कि मुस्लिम रूल का सोसाइटी और कल्चर और इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा। वो कहते हैं कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया गुजरात और मुसलमानों के अंडर में आया मुल्तान गुजरात सिंध, 4,000 अरब जो है वो सेटल्ड हुए परमानेंटली यहाँ पे आए, बहुत बड़ी तादाद है। और इनकी सेटलमेंट जब सिंध और बलूचिस्तान में हुई तो ये कल्चरल और इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज हुआ। और इसके साथ जो अरब सफ़र करने वाले थे उन्होंने जो है फ्रीक्वेंटली विजिट करना शुरू कर दिए इन दोनों एरियाज़ को, सिंध को और बलूचिस्तान को। अरबों ने जो है वो इनक्रेज किया इंटर मैरिजेस सिंधियों के साथ अरबों की, और सिंधियों के साथ मोहम्मद बिन कासिम ने खुद जो है वो लाडी के साथ शादी की जो कि राजादार की बेटी थी। और इस वजह से जो है ये बुनियादी तौर पर इंटरमिंगलिंग थी दो मुख्तलिफ कल्चर्स की, सिंधी कल्चर और अरब कल्चर की। नई एक ज़बान वजूद में है जिसको सिंधाब कहते हैं, डिवेलप हुई बाद में, जो कि अरब और सिंधी लैंग्वेज का इम्तिजाज थी। अरब स्क्रिप्ट जो है कूफी स्क्रिप्ट जो है जो कि अभी भी है वाज एडॉप्टेड फॉर सिंधी लैंग्वेज का जो स्क्रिप्ट है कूफी सॉरी वो अरब से ही लिया गया है। तो सिंधी के ऊपर जो अरबिक अरबिक लैंग्वेज का असर है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, और ये ज़बान जो है वो सिंध में स्कूलों जो अरबिक है वो इंस्ट्रक्शंस का भी मीडियम बनती है।
कॉन्क्वेस्ट के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वो बहुत सारी मस्जिदें बनाई सिंध के अंदर अहम शहरों में, और ये जो मस्जिदें थी इम्पोर्टेंट सेंटर्स बनी लर्निंग का, और जिसमें जो है कुरान है, हदीस है, फिक है। मक्तसी कहता है जो कि शिराज और अहवाज जो कि ईरान में, ही यूज टू प्रेज द स्कॉलर्स ऑफ सिंध। देबल वॉज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ कुरानिक स्टडीज एंड हदीस लिटरेचर इन सिंध, और अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस जो कहते हैं कि 22 एमिनेंट स्कॉलर्स जो है वो देबल के अंदर जो है वो टीचिंग में, दरस तदरीस में मशगूल थे। अच्छा, इसके साथ साथ जो है अरब रूल ने वो कंसीडरेबल इम्पैक्ट डाला शहरों के ऊपर। मंसूरा है, मुल्तान है, और अकॉर्डिंग टू इब्न हेकल, सिंधीज एंड मुल्तानीज अडॉप्टेड द ड्रेस ऑफ द इराकी ट्रेडर्स, इंक्लूडेड टर्बन जो पगड़ी है, लॉन्ग शर्ट और ट्राउज़र, और वो जो है एनिमल स्किन को भी इस्तेमाल करना शुरू हो गए जो कि इससे पहले हिंदुओं में मना थी, और लेदर के शूज़, चमड़े के शूज़ भी पहनना शुरू हो गए। अरबों ने जो अरेबियन हॉर्सेस और कैमल जो है वो सिंध में, उनको ब्रीड सिंध और बलूचिस्तान में ब्रीड करके वो इंट्रोड्यूस कराए, उनकी नई नस्लें इंट्रोड्यूस कराई। दे आल्सो इंट्रोड्यूस वेनेगा, सिरका, और सिंध में इंट्रोड्यूस कराया। कहा यह जाता है, बालादूरी कहता है कि खलीफा को बताया, मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा को बताया कंप्लेन की कि जो फौजी हैं वो अब हल्का हजाज को कि नहीं इस गर्मी में रह सकते, जिसने फौरन ही ख़ास तौर पर कॉटन और खुश कॉटन और वेनेगार जो सिरका है वो आर्मी के लिए भेज दिया सिंध के अंदर। इकॉनमी पर भी इसका असर पड़ा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिन कॉन्क्रीट रीजन में की वो तेज़ हुई। ट्रेड और कमर्शियल एक्टिविटीज़ अरब रूल, जिसमें शू इंडस्ट्री है, सिंधी शूज़ वर वेरी पॉपुलर इन इराक एंड स्लेव्स जो कि शू मेकर्स थे, सिंधी शू मेकर्स, वो उनकी उनकी बहुत डिमांड थी। ख़ास तौर पर जो है वो जो सिंधी गुलाम कुक थे इराक के अंदर, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। सिंधी ट्रेडर्स एंड कमर्शियल रिलेशंस विद इराक और उमान के साथ, ईरान के साथ उनके बहुत ज़्यादा हो गए हुए थे। अरब इंट्रोड्यूस देयर करेंसी इन सिंध, दिरहम्स, विच वॉज स्टक एट मुल्तान, और इसकी रिजेम्बलेंस जो है वो जो मिस्र के अंदर फातमीट्स थे उनके सिक्के के साथ जो है वो, जिसको काहरियात कहा जाता था, उनके साथ बहुत मिलती थी। हाँ, अरबों ने जो है वो फाइनेस्ट क्वालिटी की डेट्स भी सिंध के अंदर इंट्रोड्यूस कराई, और जो सिंध का जो क्लाइमेट था वो बहुत ज़्यादा सूटेबल था खजूरों के लिए, तो वहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की खजूरों के जो गुठलियाँ थी सिंध की धरती के अंदर डाली गई, ज़मीन के अंदर डाली गई, जहाँ से बहुत फाइनेस्ट किस्म की खजूरें जो हैं वो पैदा हुई बाद में। और कहा यह जाता है कि जो इराकी ट्रेडर्स थे वो यहाँ की गुठलियाँ ख़ास तौर पर लजीज होती थी ले जाते थे, और वहाँ पर अपने बागात खजूरों के लगाते थे। तो काफ़ी टाइम जो है वो हो गया। ख़ास तौर पर ये हमारा पहला चैप्टर है। अगला चैप्टर जो है वो हम गोरिड्स और गजनविड्स और गोरिड्स का जो कि रूल है उस पर हम बात करेंगे। ये मुस्लिम रूल में ये ख़ास तौर पर ये बहुत अहम है इनको पढ़ना, क्योंकि आपको जो दिल्ली सल्तनत है वो समझ नहीं आएगी अगर हम इसको डिबेट और डिस्कस नहीं करते हैं। आखिर में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इसका मकसद इन वीडियोस का मकसद जो है वो लर्निंग को इनकरेज करना है। मैं इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर मैं सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ, नहीं, हम सब ने सीखना है और हम सब ने एक दूसरे को सिखाना है। तो इसकी जो इस पर ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया गया है, जो कि मैं यहाँ पर
टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, लेकिन जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं वो मैं देना ज़रूरी समझूंगा बस कुछ चंद चंद मिनट्स में। देखें, ये तो हम पॉजिटिव एक कल्चरल जो इम्पैक्ट्स थे, पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स थे, एक्सपेडिशंस हुई, उन पर हमने बात की, जो कि एक वन पर्सपेक्टिव है, जो कि एक मुस्लिम पर्सपेक्टिव लगता है, और डोमिनेंटली ये मुस्लिम पर्सपेक्टिव इस किताब में डॉक्टर तनवीर अंजुम की इस रीडिंग में दिया गया। अब ये बात मैं रीडिंग से हटकर जो कि डिस्कोर्स में मौजूद है, जो कि डिबेट में मौजूद है, डिस्कशन में मौजूद है, और वो ये है कि जो मोहम्मद बिन कासिम आए उन पर एक बहुत बड़ी डिबेट मौजूद है जिसमें मुस्लिम हिस्टोरियंस भी शामिल हैं, जिसमें एथनिक डिस्कोर्सेज भी शामिल हैं जो कि मोहम्मद बिन कासिम के इस हमले को ख़ास तौर पर जो है वो बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उसमें उनका ये कहना है कि उसमें गैर इस्लामी तरीके अपनाए गए और जो कि इस्लामी इस्लामिक वार स्ट्रेटजीज़ हैं उनको फॉलो नहीं किया गया, जो कि इस्लामी इखलाकियात हैं, जो कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के दौर में वार किस तरह की जाती है उस हवाले से मुसलमानों को बता दी गई हुई थी, लेकिन इसको मोहम्मद बिन कासिम ने और उनके कमांडर्स ने फॉलो नहीं किया। कहा यह जाता है कि गैर ज़रूरी तौर पर हमले एक्सपीडिशन जो की गई उनमें ज़बरदस्ती औरतों को गुलाम बना लिया गया, उनको खलीफा की तरफ भेजा गया, कोलेक्टिवली जो आर्मीज़ होती थी वो हिंदू औरतों के ऊपर हमला कर बस्ती पर हमला करती थी, और हिंदू औरतों पर जिसे कहते हैं कि जो कि वार रूल्स होते थे वो अप्लाई नहीं करती थी। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में भी कहा जाता है कि उसको सलमान बिन अब्दुल मुल्क ने इसलिए बुलवाया बिकॉज ऑफ यू नो दीज इश्यूज। तो एक बहुत बड़ी डिबेट है, डिस्कोर्स है, जो कि हम छोटी सी वीडियो में हम बता नहीं सकते। मोहम्मद बिन कासिम पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है जो जिसमें ना सिर्फ हिंदू हिस्टोरियन शामिल तो है ही है, लेकिन जो बहुत यानी इवन सिंध के अंदर जो मुस्लिम हिस्टोरियंस हैं जिसमें डॉक्टर मोहम्मद अली सॉरी डॉक्टर मुबारक अली का नाम जो कि खुद सिंध से हैं का नाम बहुत शामिल है, डिटेल में लिखा है और उसको भी पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन हमारा चूंकि एक मकसद है कि एटलीस्ट हम एक पर्सपेक्टिव को तो कवर करें, आज जो हमारे पास जो एक मुस्लिम पर्सपेक्टिव था उसको हमने डिस्कस किया। आखिर में ख़त्म करते हुए कि ज़रूर पढ़ें जो दूसरे पर्सपेक्टिव हैं, क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ एक लेंस से देखने का नाम नहीं है, हिस्ट्री डिफरेंट लेंस से देखने का नाम है, और आपको एक वाक़े के बारे में उसकी जो तलाश होती है उस सच्चाई जानने के बारे में वो सिर्फ एक सोर्स से, जो कि मैंने अभी एक सोर्स पढ़ा है उसे कभी भी आप मुकम्मल तौर पर आपको इल्म नहीं होगा, आपको इल्म हासिल नहीं होगा अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा एक वाक़े के बारे में मुस्तफ़ीद होना है, इल्म हासिल करना है, तो उसमें जो डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनका मैंने इशारा किया उनको देखने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर वो सोर्सेज जो कि उस दौर में लिखे गए जिनको हम प्राइमरी सोर्सेज कहते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज भी लिखे गए, और बहुत बड़ी डिबेट है जो कि इस टॉपिक के हवाले से मौजूद है। बहुत शुक्रिया, अगली अगली वीडियो में अगली दफ़ा फिर आपके साथ डिटेल में डिस्कशन होगी, और इंटरेस्टिंग टॉपिक महमूद अफ गजना का, वो भी कंट्रोवर्सी से भरपूर है, और मोहम्मद गौरी का। बहुत शुक्रिया।